हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 27 जनवरी सोमवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताना चाहेंगे। आज का दिन बड़ा सोमवार का है और ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के ग्रह गोचर काफी सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में, आपके व्यापार करियर तथा आपके लव लाइफ में करने वाले हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे आज आप कौन से विशेष क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको बेहतर सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे, आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज का दिन मीन राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपको उम्मीद के मुताबिक धन प्राप्त होंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को विशेष रूप से सफलता हासिल होंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। इस राशि के व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। कोई काम मन मुताबिक पूरे होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप आज दिन भर खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। आपको छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने का अवसर प्राप्त होगा। आपका आर्थिक पक्ष जो है वो आज काफी अच्छा मजबूत रहने वाला है। आज के दिन अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन आपके परिवार और आपके करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप अपने सीनियर के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे। इस राशि के छात्रों को आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, मित्रों आपको बताना चाहेंगे, ऐसे में बेहतरीन पलों की प्राप्ति हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई इंटरव्यू जॉब के लिए देने जा रहे हैं उसमें भी आपको बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके संबंध काफ़ी मधुर बनेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है। इस राशि के विवाहित आज जीवन साथी को कोई सरप्राइज दे सकते हैं। आप दूसरों के सामने अपनी बातों को साफ ढंग से रखने में सफल रहेंगे। आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे तथा आप जीवन में काफी तरक्की कर सकोगे। लोगों के मुख से आपकी प्रशंसा निकलेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि आपकी सेहत भी पहले से काफी ठीक रहेंगी। करियर में आपको सफलता मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी होंगे। परिवार के आपके गुणों की प्रशंसा होंगे जिससे आपका मन खुश रहेगा। नई तकनीकियों को अपनाने से आपके काम में वृद्धि होंगे। आप अपनी कोई बात दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज का दिन खुद के बदलाव लाने का अच्छा समय है। आपको आगे बढ़ने के नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी। आपके कारोबार में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होंगे। आज मन स्थिर न होने की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक बेहतर महसूस करेंगे। कोई बड़ा फैसला लेने से आपको परेशानी महसूस हो सकती है। कोशिशों के पूरा होने में थोड़ी देरी होंगी, लेकिन फिर भी ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर छोटा मोटा आप कार्य कर सकते हैं। आज किसी सामाजिक आयोजन में भागीदारी हो सकती है। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप तरह तरह की योजनाओं को बनाओगे। आपकी सभी योजनाएं सफल होंगे। आज काम अधिक होने पर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। करियर के मामले में चीजें बेहतर होने के आसार हैं। परिवार वालों के साथ किसी बात पर थोड़ी बहस हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी बातों को कहेंगे। आज आप को अपने जीवन साथी के सेहत के प्रति कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आपकी झूठी तारीफों के कारण आप उलझन में पड़ सकते हैं। आपको काम के लिए कुछ नए मौके को तलाश करनी चाहिए। मेहनत का रिजल्ट पाने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज पैसों से जुड़ा कोई मामला आसानी से सुलझ सकता है। आज के दिन आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और किसी दोस्त के सकारात्मक प्रभाव से आपके स्वभाव में चेंज आएगा।
आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सफल रहोगे। आप अपना कुछ समय अपनी कला को निखारने में, आप जिस भी हॉबी को करना चाहते हैं या फिर जिस भी विषय में आपकी रुचि है उसको देने में काफ़ी समय व्यतीत करोगे। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होंगे जिसका आपके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। परिवार की ओर से भी आपको पूरा पूरा समर्थन मिलेगा। आपके लिए ज़रूरी काम काज जो भी हैं वो सारे के सारे आज पूरे होंगे। आज आपका कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा बढ़कर रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप नई नई खुशियों को उजागर कर सकते हैं। आपके जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान मिलेगा। आज आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि लाने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। ऑफिस में किसी की तरह की राजनीतिक में उलझ सकते हैं, इससे आपका समय कुछ खराब हो सकता है। अतः ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको उलझाने का कार्य किया करते हैं। घर में मेहमान आने की संभावना है जिससे आपका मन खुश रहेगा। ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज़्यादा होंगे। आप दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, उनके साथ किसी नए विषय पर बातचीत कर सकते हैं। आपका दिन भी बेहतर गुजरेगा। आज तरक्की के कई नए रास्ते खुलने नजर आएंगे। शाम तक आपको अच्छी खबर मिल सकती है। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल बना रहेगा। आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बना रहेगा। आप आसपास के लोगों के सहानुभूति को प्राप्त कर सकोगे। इस राशि के छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आज आप कई तरह के नए काम करना चाहेंगे। आपकी कोशिशें सफल रहेंगे। जीवन में आपको दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। अगर आप बेरोजगार युवक हैं तो अचानक से आपको रोजगार के कुछ अच्छे और सकारात्मक मिल सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। आज आपका दिन कुछ खास लेकर आने वाला है। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। कुछ जरूरी काम थोड़ी ही मेहनत से पूरे होंगे। आज लम्बेट को कोई उपहार दे सकते हैं, इससे आपके रिश्तों में नयापन आएगा। इस राशि के छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपने पहले कभी परीक्षा दिया है या फिर आपने कभी एग्जाम वगैरह दिया है और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको खुशखबरी मिल सकती है। साथ में पढ़ाई के मामलों में आप अपने सहपाठियों से प्रेरणा ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगे। रिश्ते मजबूत होंगे। आज आपके दाम्पत्य संबंधों के बीच दूरियां खत्म होंगे। साथ में रिश्तों में मधुरता आएंगी, लेकिन बिजनेस की किसी बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। आपको बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और किसी काम से आपको सरकारी दफ्तर में भागदौड़ करनी पड़ सकती हैं। काम पूरा होने में समय लग सकता है। उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए। कामकाज की व्यस्तता में आपको खाना पीना भी भूलना नहीं चाहिए। आपको समय पर खाना अवश्य ही खाना होगा। साथ में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। अगर आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर पारिवारिक क्लेश हुआ करते हैं या फिर पैसों की आर्थिक तंगियों से परेशान हैं तो आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। आज करियर के मामले में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपके हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे। आपके सगे संबंधी आर्थिक रूप से आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। बिजनेसमैन में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे। अगर आप कोई नया डील करना चाहते हैं उसके लिए समय शुभ है। आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आपका कोई भी जरूरी काम जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे जरूरी काम पूरे होंगे। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तथा बहुत दिनों से रुके हुए ऑफिस में पेंडिंग कामों को भी आप पूरा कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको समय देने होंगे। आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अनुभवी लोगों की सलाह भी जरूर मिलेंगी।
आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप तरह तरह की योजनाएं बनाएं। आज के दिन आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेंगे, कोई खास बात आपको पता चल सकती है। आज आपको सभी लोगों के कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेंगे। मीन राशि के महिलाओं के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको अपने रसोई घर में कार्य करते वक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। आज आपको बताना चाहेंगे कि किसी नए शुभ समाचार की प्राप्ति होंगे, लोगों के बीच आप तारीफ के पात्र बनोगे। मित्रों, आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।